हम बनाएंगे काठी कबाब। काठी कबाब बनाने के लिए ये शिमला मिर्च बड़े बड़े पीस किए हुए हैं, और ये प्याज है ये आधा करके उसका ऐसे करके ये बड़े बड़े पीस काट लिए हैं। ये टमाटर, इसमें से गुर्दा निकाल के सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा है। और ये अरारोट है, बेसन, पनीर, ये सोयाबीन की बड़ी है बड़ी वाली, और ये उसका चूरा है। और ये मसाला बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का ग्राइंड किया हुआ है, कद्दूकस किया हुआ है। और ये हमारा टमाटर की कद्दूकस किया हुआ है। सोयाबीन लेंगे, ये सब मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उबालने के बाद इसको हम उबाल लेंगे। इसको हम तेज पानी के उबाले में उबलने रख देते हैं। ये सोयाबीन हमारे उबल गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। ये अरारोट है और ये बेसन, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी में भी डालना है। और अब डालेंगे मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला। अब हम इसको घोल लेंगे। घोलते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना पड़े, इकट्ठा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालना है। ये बैटर तैयार हो गया। अब हम इसमें इसकी स्टिक बनाएंगे। ये हमारे पास टूथपिक है, टूथपिक में हम पहले भरेंगे, लगाएंगे प्याज, टमाटर, ये सोयाबीन मैंने निचोड़ के रख लिया है, और अब हम ये भी लगा देंगे, ये सोयाबीन, पनीर, और ये है शिमला मिर्च। ये ऐसे कर करके हमें बना लेने हैं। ये मेरा एक तैयार हो गया, ऐसे ही हम और कर लेंगे। मैंने स्टिक में तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ये जो मैंने घोल बनाया है, अब हम देख लेंगे कि हमारे लिए घोल सही है। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और जब हम इसको तलने लगना है, तलने से पहले हम इसमें थोड़ा सा वो डालेंगे सोडा, सिर्फ एक पिंच डालना है। ये हम डाल रहे हैं सोडा, सिर्फ एक पिंच डालना है। ये हमने सोडा डाल दिया। अब हम एक एक करके, मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तेल गरम होने के बाद हम इसको दो दो पीस तल तल के हम करेंगे। ये हम इसमें, ये मेरी ग्रेवी है, ये स्टिक हम ऐसे पकड़ के ये घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें इसको जरा सा छिड़क के ये ऐसे डाल देंगे, और ज़्यादा ज़्यादा करके नहीं डालना है, सिर्फ दो दो पीस करके डालेंगे और उसी वक्त नहीं पलटना है। ये हमारे, मैंने काठी तल ली है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। बनाने के लिए घी डालेंगे, घी थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे। ये हमने डाली लाल मिर्च, थोड़ा सा तेज पत्ता, ये हमारा लाल मिर्च और तेज पत्ता हमने कर दिया है। ये मेरा अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट है, या बारीक कटा हुआ कह सकते हो आप, पेस्ट तो नहीं है। तो मुझे अब ये बनेंगे, ये मेरा थोड़ा प्याज भुन गया है। अब हम इसमें थोड़े से एक चम्मच के करीब मटर डालेंगे उबले हुए। ये हमारे मटर डाल दिए, गैस हमारा मीडियम रहना चाहिए। और अब हम डाल देंगे ये मैंने जो सोयाबीन का चूरा है, इसको मैंने निचोड़ लिया है, पानी नहीं है इसमें।
ये अब इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा। मैंने इसमें भून लिया, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार मसाला डालेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर, ये हल्दी और अब डालेंगे नमक, हम इसको थोड़ा मसाले को भून लेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे देगी मिर्च, अब हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, 2 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। ये हमारा दही डालने के बाद उबाला आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। यह हमारा इसमें उबाला आ गया है, अब हम अपनी इसमें जो काठी बना रखे हैं, अब हम ये पहले गैस सिम पे कर देंगे, अब ये हम काठी इसमें डाल देंगे। इसमें काठी डालते हुए ये ध्यान रखना है कड़छी मारते हुए कि ये हमारे इसमें से टूटे नहीं, पनीर वगैरह कुछ भी, बड़े हमें सावधानी से करना होगा। ये अब हम इसको थोड़ा प्यार से हिला देंगे, ये हमने डाल दिया, एक बार हिला दिया है और अब हम ढक्कन बंद कर देंगे सिम सेक पे, थोड़ी सी देर उसको काठी को थोड़ा पकने देंगे। ये हमारे हो गए तैयार काठी कबाब, अब हम इसमें डालेंगे धनिया और इसकी अब हम प्लेटिंग करेंगे।